सोशल मीडिया पर आपने इस तरह की तस्वीरें बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपके जहन में जरूर ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये तस्वीरें किस तरह बनती होंगी। तो आज मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूं कि आप ये इस तरह की तस्वीरें कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप इससे भी अच्छी तस्वीरें बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह की तस्वीर भी आपने देखी होगी कि कहीं पे तोता होता है या कहीं इस तरह परिंदा जो इंदुआने से बना होता है, किसी और फल फ्रूट से बना होता है, वो आप किस तरह से बना सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये स्टेप। चले इस तरह की तस्वीरें बनाना सीखते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को आप जैसे ओपन करेंगे, यहाँ ऊपर आपने सर्च करना है बिंग। बिंग जैसे आप लिखेंगे BING, तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह की तस्वीरें आप इसे फ्री में बनवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ से इसे ठीक है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने व्हाइल यूजिंग द ऐप ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, साइन इन करना है। साइन इन इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आप तस्वीरें बनाना चाहोगे तो वो आपसे साइन इन जरूर मांगेगा। तो यहाँ से मैं इसको साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। साइन इन यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो यहाँ पे साइन इन आपसे मांगेगा कि आप ईमेल वगैरह दे दें माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आपने पहले से नहीं बनाया होगा तो आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि someone@example.com के यहाँ पे आप अपनी जीमेल दे दें। और नीचे भी एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे वो कहते हैं यूज फोन नंबर इंस्टेड। वो कहते हैं अगर आप फोन नंबर यूज करेंगे तब भी आपका अकाउंट बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में ये अकाउंट फोन नंबर से नहीं बन सकता, तो इसलिए हमें फिर ईमेल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जैसे अपने जीमेल लिखेंगे, अगर आपको जीमेल याद नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा अपनी जीमेल में। जीमेल का आइकन इस तरह का होता है, ये जीमेल इस तरह लिखा होता है। मैं ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि अगर आप दोस्तों को नहीं पता इसके बारे में तो आप इजीली इसका अकाउंट जो है वो बना सकें। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जीमेल जो है वो शो हो जाएगा। इसको आपने याद कर लेना है या इसको लिख लेना है, उसके बाद आपने आके यहाँ पे इसको लिख लेना है। मैंने अपना जीमेल जो है वो लिख लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पासवर्ड यहाँ पे लिखें, कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे आप नया पासवर्ड इंटर कर लेंगे उसके बाद अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना है। यहाँ पे मैं अमीन और नीचे नेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे रीजन जो भी आपका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो मेरा पाकिस्तान है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वेरीफाई ईमेल, तो यहाँ पे हमने उस कोड को लिखना है जो इस जीमेल पे गया है। अपनी जीमेल को फिर से ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने जीमेल को ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ गया है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है, इस तरह का मैसेज आपको भी मिलेगा, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, तो आपने भी ये नंबर जो है वो याद करके वहाँ पर जाके अपने इधर लिख लेना है ये। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, इस नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे अब वो मेरे से इस तरह के कुछ पजल्स जो है वो सॉल्व करवाएगा। वो यहाँ पे चेक करेगा कि आप रोबोट तो नहीं है। तो यहाँ पे फिर से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद बारी आती है इस तरह के पजल्स को सॉल्व करने की। यहाँ पे हमें इस तरह के 5 डायरेक्शन मिलेंगी, 5 ही हमें 5 दफा ये सॉल्व करना है। तो जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा ये जो अकाउंट है तब तक नहीं बनेगा। यहाँ पे जो हाथ का डायरेक्शन है उस तरफ हमने कार की डायरेक्शन को करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है या इस पे आप भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम हो चुका है। यहाँ पे हाथ का भी डायरेक्शन सेम है और गाड़ी का भी सेम है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 1 डन आ जाएगा। तो एक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे गाड़ी या ये जो चीज़ है ये चेंज हो चुका है। तो अब इसको फिर से घुमाते हैं, अब दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम हो चुका है। यहाँ पे फिर से हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, 2 डन हो गए। अब इसके डायरेक्शन को फिर से हम इस तरह घुमाते हैं, दोनों का डायरेक्शन फिर से सेम हो चुका है। अब फिर से इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, 3 डन हो चुके हैं। अब दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी टाइप का मसला आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है, अब हम चले जाएंगे ऐप के अंदर। तो जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा आप इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉग इन हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो चुका है। तो इसके बाद हम बैक आते हैं। तो अब यहाँ पे
आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमेजेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं या पे बना सकते हैं। तो आपने इसके बाद ये कॉपी लोड पे आना है। कॉपी लोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को जैसे आप ऑन करेंगे तो यूज़ चैट जीपीटी 4 भी आपके पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आस्क मी एनी थिंग, यानी आप मेरे से जो कुछ चाहें वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एक तस्वीर बनवाता हूँ, एक तस्वीर बनाओ एलिफेंट की, या हाथी अगर मैं लिखना चाहूँ तो हाथी भी लिख सकता हूँ, एलिफेंट की खाली बोतल से, खाली बोतल से और इसके ऊपर एक पाकिस्तानी बंदा बिठा दो। तो इसको आप जितना अच्छा समझा सकते हैं वो उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उतना अच्छी आपको तस्वीर बना के दे सकता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ कि आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। अब वो कोशिश कर रहा है इसको क्रिएट करना। योर इमेज इज़ जनरेटिंग, यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो रही है, यानी वो बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने चार इमेजेस वो बना के देता है, तो यहाँ पे भी उसने चार इमेजेस बना के दी हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर पहले पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी बोतल से ये तस्वीर जो है वो बना के दिया है, हाथी की तस्वीर बनाई, उसके ऊपर एक बंदे को बिठा दिया। आप कोई भी तस्वीर इसे चाहे बनवा सकते हैं। इसको अगर आप सेव करना चाहें यहाँ पे इस थ्री डॉट पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो तस्वीर जो आपके पास सेव हो जाएगी। और फिर से अगर आप कोई वो बनवाना चाहते हैं फिर से आप यहाँ पे आएंगे कॉपी लोड पे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इससे जो कुछ आप पूछें इसे बनवाएं वो आपको जवाब देगा। कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं उसके बारे में भी जवाब देगा, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं उसके बारे में भी ये जवाब देगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।